हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपने इससे पहले वाली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो वीडियो थी वो आपने देखी हुई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हमारे थॉट्स की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हम जो भी सोचते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी में सोचते हैं। मान लो कि आप कुछ एक चीज के बारे में सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको उसका दूसरा पॉइंट भी नेगेटिव मिल जाएगा, उसका तीसरा पॉइंट मिल जाएगा, उसका चौथा पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आप एक पूरी चेन क्रिएट करोगे, यानी कि आप एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे अपने थॉट्स के साथ। जब हम किसी एक चीज के बारे में नॉर्मली सोच रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड हमें और चीजों के ख्याल आने लगते हैं, और ऐसे ही एक पूरी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है। हमारे माइंड की दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, एक हायर फ्रीक्वेंसी और एक लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि जहां पर आप बहुत अच्छा फील करते हो, आप खुश होते हो, आप रिलैक्स होते हो, जहां पर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो। और लोअर फ्रीक्वेंसी इसका ठीक उल्टा होता है, जहां पर आपको अच्छा फील नहीं होता, आप नेगेटिव होते हो, वो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है। अल्टीमेटली हमारा माइंड जो है वो एक रेडियो की तरह होता है। अगर आप अपने रेडियो में अगर 90s वाला स्टेशन लगाते हो तो आपको वहां पर सारे 90s वाले गाने सुनाई देंगे। हमारे माइंड्स में थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, दैट मींस कि आप अपनी हायर फ्रीक्वेंसी पे है। अगर कुछ छोटा सा नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आता है तो आप अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हो, जहां पर एक के बाद आप सेम फ्रीक्वेंसी में सोचते रहते हो। जैसे हम रेडियो पे स्टेशन चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी माइंड की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी चेंज करना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि आप रेडियो पे जैसे 90s के गानों में अभी के गाने नहीं सुन सकते, ऐसे ही आप अपनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे, आप अपनी लो फ्रीक्वेंसी पे कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप अपनी लो फ्रीक्वेंसी पे अपनी प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन निकालते हो और डिसीजन मेकिंग करते हो, वो सारी कहीं ना कहीं उसी फ्रीक्वेंसी को फिर से अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि जो आप फील कर रहे हो, यानी कि अगर आप अपनी लो फ्रीक्वेंसी पे हो, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, और उसी नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स यानी कि अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वही फ्रीक्वेंसी वाला मिलेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो। कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पहले हाई करनी पड़ेगी, फिर ही आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे आप जो भी डिसीजन मेकिंग करते हो और अपनी प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन निकालते हो, वो कहीं ना कहीं आप अपने लिए फिर से नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो। हम प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी पे कभी भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, यानी कि हमें अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले हायर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे तो वो आपको या तो आसानी से मिल जाएगा, या तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है। अगर आप गाना नहीं सुनना चाहते तो आप सिंपली रेडियो को बंद कर सकते हो और गाने बंद हो जाएंगे। लेकिन हम अपने माइंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि हम सोचना नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि सोचना नहीं छोड़ सकते, हम अपने थॉट्स को स्टॉप या माइंड को ब्लैंक नहीं कर सकते। होता है, बहुत बड़े साधु महात्मा ऐसा कर लेते हैं, भी शायद हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं मेडिटेशन की, हम माइंड को कम्प्लीटली ब्लैंक कर दे। हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने थॉट्स को जो है रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, उसे स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी है। यानी कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, उसे स्टॉप नहीं करना है, हमें जस्ट उसे रिप्लेस कर देना है किसी अच्छे थॉट्स के साथ। यानी कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कि फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए मेन 5 टेक्निक्स है। टेक्निक नंबर 1 की आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि मेडिटेशन करना है, जहां पर आपको अपने थॉट्स को स्टॉप नहीं करना है, जहां पर हमें अपने थॉट्स को रिप्लेस करना है नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ। सेकंड की आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हो। थर्ड टेक्निक की आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। फोर्थ टेक्निक है, ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक है। सच में ये थोड़ी सी फनी लग सकती है, लेकिन ये सच में एक मैजिकल टेक्निक है, जहां पर आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। हर एक छोटी चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। आपके पास जो भी है, आप अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। आप अपने हाथ के लिए, अपनी आंखों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है कि ये आंखें हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ। ये बहुत ही फनी है, थोड़े टाइम के लिए आपको बहुत ही फिद्दू सा लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये सच में मैजिकल टेक्निक है। जब आप हर छोटी चीज के लिए थैंक्स बोलोगे या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाओगे, तो अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो से हायर लेवल पर चली जाएगी, जहां पर आप किसी भी चीज को, आप फोन को है, आप अपने हाथ को, आंखों को, अपनी बॉडी को, या फिर अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी थैंक्स बोलना है आपको। हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको थैंक्स बोलना है, आपको हर छोटी चीज के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है।
और ग्रेटिट्यूड फील करना है कि मेरे पास ये है ये है ये है। बात फिफ्थ टेक्निक है विजुअलाइजेशन की टेक्निक, जहाँ पर आपको अपने आप को अपने फ्यूचर में विजुलाइज करना है। जैसे कि मान लो कि आप कोई कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो, तो आप अपने आप को ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी खुद की कंपनी है और मैं MD हूँ वहाँ का, और मैं अपनी जनरल मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। बस हमें सिर्फ विजुलाइज करना है अपने आप को कि आप वहाँ पर हो, उसे फील करना है कि मैं ऐसे 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 हूँ। आप अपने आप को जहाँ भी देखना चाहते हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 2 साल बाद, 3 साल बाद, उन सारी चीज़ों को आपको सिर्फ अपने माइंड में विजुलाइज करना है, जहाँ पर आपको अपने आप को उस पिक्चर में फिट करना है और उसे फिल करना है। ये 5 टेक्निक्स हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है वो लोअर से हायर लेवल पर ले जा सकते हो। फर्स्ट, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। सेकंड, आप ओम का उच्चारण कर सकते हो। थर्ड, ग्रेटिट्यूड फील करना। फोर्थ, पॉजिटिव अफर्मेशन। एंड फिफ्थ, जहाँ पर आपको विजुलाइज करना है। ये 5 टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, इससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत ही हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। बट और एक 6th टेक्निक भी है, जब हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हर चीज़ की 2 साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसकी कौन सी साइड देख रहे हैं। टेक्निक है वो हमें कहती है कि हमें हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करनी है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा होता है, तब हमें सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है, इट्स ओके। जो भी हो रहा है वो सच में बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कि हमें उस टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा हो, अच्छा नहीं हो रहा हो, बट आफ्टर द टाइम, जब उसका टाइम आएगा, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जब उसका टाइम आएगा तो आपको अपने आप ऐसा रियलाइज होगा कि काश यार ये मेरे साथ जो भी हुआ था, अगर वो नहीं होता तो आज जो भी हो रहा है वो भी नहीं होता। यानी कि उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि शायद जो भी हो रहा है इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी इंटरलिंक आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक अच्छी इवेंट के साथ जुड़ी हुई है। और उस अच्छी इवेंट को एंजॉय करने के लिए आपको ये इवेंट भी आपकी लाइफ में आना जरूरी है। यानी इसीलिए हमारी भगवद गीता में भी बोला गया है कि जो भी होता है वो सच में अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि हमें उस टाइम पे ऐसा लगे कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, बट आफ्टर द टाइम आपको खुद रियलाइज होगा कि ये जो भी हो रहा था वो सच में बहुत अच्छे के लिए हुआ था। तो ये एक 6th टेक्निक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 5 टेक्निक्स काम नहीं कर रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं कर रही है, तो सिर्फ आपको यही सोचना है इट्स ओके, जो हो रहा है सच में बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, और फ्यूचर में मुझे इसकी जो लिंक्ड इवेंट है जहां पर मुझे हैप्पीनेस मिलेगी वो मुझे जरूर मिल जाएगी, और तब मुझे रियलाइज होगा कि शिट मैं कैसी बातों के लिए टेंशन ले रही थी या ले रहा था। और आपने रियलाइज किया होगा कि हमारे पास्ट में भी कहीं इवेंट्स ऐसी होती है जहाँ पर हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, या तो फिर किसी और की मिस्टेक्स की वजह से हमें जो है बुरा फील हो जाता है, या फिर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करके बैठे होते हैं, और अभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि शिट हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, जो कि कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। सेम एज इट इज हमें फ्यूचर में भी जरूर लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि फ्रीक्वेंसी को हाई करके हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव तो बना लेंगे, लेकिन उस पॉजिटिव थॉट से होगा क्या? तो इसका आंसर जो है वो मैंने 10% अपनी पहली वीडियो में बता दिया था, सबकॉन्शियस माइंड में, कि आप जो भी सोचते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उसी के हिसाब से आप काम करते हो और आपकी बॉडी भी वर्क करती है। और इसका जो 90% आंसर है, इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और हमारा एक थॉट हमें कैसे अफेक्ट करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, हो सकता है कि मैं शायद आपसे भी ज्यादा नेगेटिव हूँ, लेकिन इन चीजों की प्रैक्टिस की वजह से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है बहुत कम टाइम में चेंज कर पाओगे। कहीं चीजें ऐसी होती है कि जिसके बारे में हम बहुत बार 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 सोचते रहते हैं, या फिर वो हमारे माइंड से निकलती ही नहीं है, बहुत टाइम तक वो हमारे माइंड में रहती है, हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती है कि इसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये बोला था, और वो चीजें हम ऐसे ही अपने माइंड में उसे रिपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपने काम पे भी कभी कभार ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन इन चीजों की प्रैक्टिस की वजह से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है वो बहुत ही जल्द हाई कर पाओगे, यानी कि आप अपनी फिर से लोअर से हायर वाली फ्रीक्वेंसी पे चले जाओगे बहुत ही कम टाइम में। टाइमिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, आप 2 दिन में 3 दिन में अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लोगे। फिर धीरे धीरे जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आप 2-3 घंटे में या फिर 2-3 मिनट में भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर पाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें चीजें जो है कुछ कुछ चीजें अफेक्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो अल्टीमेटली सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। इसका रीजन मैं आगे की वीडियो में देती हूँ कि क्यों। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन बाहर के लोग आके हमें नेगेटिव कह जाते हैं, ज्यादातर हम बाहर से नेगेटिविटी फील करते हैं। तो इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम छोटे थे तो जब हमें आके अगर कोई ऐसा बोल दे कि तू गधा है तो हमें बुरा फील होता था, हम रोने लगते थे कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन अगर अभी आपको इस टाइम पे अगर आपको ऐसा कोई आके बोले कि तू गधा है
तो आप क्या करोगे, आप हंसोगे, हाँ ठीक है मैं गधा हूँ, इट्स ओके, तो आपको हंसी आ जाएगी। ऐसे ही जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई आके ऐसा बोलेगा कि तू ऐसा कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तो आपको ऐसा फील होगा कि उसे क्या पता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी लाइफ क्या है। इट्स ओके, आपको कुछ कुछ चीजें अफेक्ट करना बंद कर देगी, यानी कि आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढनी नहीं है, आपको कभी कभार प्रॉब्लम्स लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को तो हाई कर लिया, यानी कि हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज तो कर दिया, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, इसका आंसर मैं आने वाले थर्ड पार्ट में दूंगी, जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।